रिस्क खास नहीं, हम लोग काफ़ी समय से दोस्त हैं और मैं छोटा पैकेट बड़ा था। ओके रिजा जी, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपकी प्रोड्यूसर डेब्यू करने के लिए। ये थॉट कहाँ से आया कि प्रोड्यूसर बनना है और इस तरह से धमाकेदार फिल्म? मुझे काफ़ी समय से लोगों ने कहा कि आप प्रोडक्शन में भी घुसेंगी तो अच्छा रहेगा, पर मैंने कुछ सोचा नहीं था क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी। तो रुपिंदर जो मेरे काफ़ी समय से दोस्त हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई, तैयार की और मेरे पास लाए। देन आई थॉट आई विल कम ऑन बोर्ड एंड हेल्प। और मैं हमेशा से ऐसा कंटेंट बनाना चाहती हूँ जो मैं देखती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और आई थिंक डिजिटल कंटेंट से काफ़ी लोगों को मौका मिलेगा, इसलिए मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस की। हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में शॉर्ट फिल्मों का बहुत ही ट्रेंड चल रहा है और शॉर्ट फिल्म में हम देख रहे हैं कई सारी आ रही है। और आप टेस्ट क्रिकेट से वनडे से टी ट्वेंटी क्रिकेट, इट्स द सेम थिंग। लोग अपने मोबाइल पे भी, अपने लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, इसलिए आई थिंक कोई आया है। तो हम आपको भी इन फ्यूचर देखेंगे इस शॉर्ट फिल्मों में एक्टिंग करते हुए? अभी मैं फिल्में में बहुत देखा है, फिल्मों में 2 घंटे की फिल्म। ऑनेस्टली आपको बताऊँ तो काफ़ी मुश्किल है एक्टिंग के कमिटमेंट्स और प्रोडक्शन ये सब एक साथ जगल करना, ईजी नहीं है। ये एक छोटी फिल्म में ये मुझे समझ में आ गया। मैं किताब भी लिख रही हूँ तो मैं कुछ समय थोड़ा रिलैक्स करने के बाद ही कोई भी प्रोजेक्ट चूज करूँगी। अच्छा ऋचा जी, क्योंकि नाम है खून नाली चिट्ठी, तो प्यार में आपने अपनी लाइफ में कभी ऐसे चिट्ठी लिखी? खून वाली कभी नहीं लिखी। चिट्ठी लिखी आपने? हाँ। तो मतलब क्या कुछ कुछ आपने नहीं लिखी? लिखी बहुत सारी। कब? मेरे टाइम पे तो मैसेज भेजना था। मैसेज नहीं, मैं मैसेज के दौर में भी चिट्ठी लिखना पसंद करती हूँ, थोड़ी ओल्ड फैशन। जो लोग प्यार में अपने हाथ वक्त कट कर देते हैं उनको उनको क्या कहेंगे आप? उनको कहूँगी कि ब्लड डोनेशन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको पहली बार मिलाना चाहूँगी, एक किसी का फर्स्ट टाइम है। आ जाओ इधर, शर्मा मत। ही इज़ रुपिंदर इंद्रजीत, द राइटर, डायरेक्टर एंड को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। और ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी, इनकी कल इनके लिए बहुत बड़ा दिन था, हमारी ये फिल्म के बारे में भी काफ़ी चर्चा हुई थी और इनकी एक दूसरी फिल्म जिसके लिए इन्होंने डायलॉग्स लिखे थे वो भी थी। तो फ्यूचर भी हम आपको देखेंगे लाइक बड़े सेलिब्रिटी के साथ में, बड़े एक्टर के साथ में, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं लाइक शाहरुख खान, सलमान खान को भी हम आप देख के आपके प्रोडक्शन हाउस में देखेंगे इस तरह से कुछ फिल्में, या कुछ आइडिया आपका? देखिए मैं अभी चीटी हूँ, ये शॉर्ट फिल्म का प्रोडक्शन है और मैं रियलिस्टिकली बोल रही हूँ कि इस चीज़ में बहुत वक्त लगता है टू पुट अ गुड फिल्म टुगेदर, उसकी मार्केटिंग, उसकी सेल। दूसरी तरफ से देखने पे समझ में आता है कि कितनी मेहनत होती है। तो अभी मेरे बहुत एम्बिशियस प्लान्स नहीं है, पर ये फॉर श्योर है कि मैं अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करना चाहती हूँ। जी बाहर क्या हो रहा है? ऋचा जी, प्रेजेंट टाइम पे हम देख रहे हैं कि जस्टिन बीबर इंडिया आने वाले हैं, तो अच्छा, ये सारी बहुत सारी लड़कियां सब पागल होने वाली उनके कॉन्सर्ट में जाने के लिए। आप एक्साइटेड हैं जाने के लिए या उनके कॉन्सर्ट के लिए? मैं जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट के लिए, मैं एक एनजीओ है ढाई आखर, उसके बच्चों को लेके जा रही हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3। तो वो बच्चे और आप सब कितने एक्साइटेड हैं और कौन सा गाना? मैं ज़्यादा उनके लिए एक्साइटेड हूँ। कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगी उनका? लाइक मतलब बहुत सारे बेबी है और आप कौन सा पसंद करती हैं? एक्चुअली मैं आई प्रेफर कोल्ड प्ले, वो हो चुका है कॉन्सर्ट,